नमस्ते, मेरा नाम हेमप्रभा गोयल है। मैं मुरैना मध्य प्रदेश सवलगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पहले स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी जो कि मुझे बहुत परेशान करती थी और मैं रात दिन रोती थी, दर्द भी से ज़्यादा होता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर जयपुर में मुकेश हरिद्वार सर जी हैं जो कि स्पाइनल सर्जरी भी करते हैं और पेशेंट को देखते हैं। तो मैं इनके एड्रेस से यहाँ पर आई और मैंने इनको दिखाया तो मेरी हालत उस टाइम इतनी गंभीर थी कि मैं यहाँ पर चल फिरने लायक भी नहीं थी। तो इन्होंने मेरे को देखा और ट्रीटमेंट दिया और मेरी सर्जरी भी की, दूरबीन द्वारा मेरी सर्जरी की। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और 15 दिन पीछे जब मैं दिखाने आई तो उससे मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी और मैं चलने फिरने लायक हो गई और जिस सर का इलाज बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, हेड ऑफ स्पाइन सर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल। तो ये माता जी हैं, इनके L5-S1 पे बहुत सीवियर दबाव था नस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स या स्पाइनल स्टेनोसिस, जिसके कारण इनके कमर में दर्द हो रहा था, साथ में कूले से जान से पूरी टांग में दर्द आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं सायटिका। सायटिका और कमर दर्द के कारण ये लंबे टाइम से इस बीमारी को झेल रहे थे, लेकिन अंत में इनकी स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिल्कुल बैठ भी नहीं पा रहे थे, ना खड़े होके चल पा रहे थे, बिल्कुल बैड रिडल। ऐसी स्थिति में हमारे पास आए, हमने इनका दूरबीन से सर्जरी किया और day 1 से इनको चला दिया। पहले दिन से इनको सिम्टम्स में रिलीफ आ गया, कमर दर्द में भी और पैर के दर्द में भी, और पहले दिन से ये चल रही है। अभी आज ये 15 दिन बाद दिखाने आई है और बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनको देख के लग भी नहीं रहा कि इनकी सर्जरी हुई है। तो ये सभी प्रकार की स्पाइन सर्जरी हम रेगुलरली दूरबीन से कर रहे हैं। दूरबीन से सर्जरी में और ओपन सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? ओपन सर्जरी में हमें पूरा चीरा लगाना पड़ता है, मांसपेशियों को खोलना पड़ता है, जिसके कारण मरीज की मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं। हम इनको वापस रिपेयर कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी फंक्शनल नहीं हो पाती। अपने स्पाइन के अंदर मांसपेशियों का बहुत बड़ा रोल है। मांसपेशियां अगर कमजोर हैं तो रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। लेकिन अगर सेम सर्जरी हम दूरबीन से करते हैं तो दूरबीन में हम मांसपेशियों के थ्रू दूरबीन डालते हैं तो मांसपेशियां डायरेक्ट चौड़ी हो जाती हैं। जैसे दूरबीन बाहर निकालते हैं मांसपेशियां अपनी जगह पे आ जाती हैं। तो मांसपेशियों को कोई डैमेज नहीं होता दूरबीन से सर्जरी में, इसके कारण रिजल्ट हमें जल्दी मिलते हैं और बेटर मिलते हैं। इमीडिएटली पेशेंट रिकवर हो जाता है क्योंकि मसल्स में डैमेज नहीं होता और लंबे टाइम तक लाइफ लॉन्ग पेशेंट बढ़िया रहता है, बिकॉज उसके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज नहीं करते। इसको बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी। हम ये सर्जरी रेगुलरली सभी प्रकार की स्पाइन बीमारियों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू।